नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के 3 नए अध्यादेश जारी किए, जिनको लेकर इस समय पूरे देश में विवाद की स्थिति है। किसान सड़कों पर, किसान का कहना है ये उसके लिए पसंद का काम है। वहीं केंद्र सरकार यह कह रही है ये उसके भले के लिए, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार है। किसानों का साफ तौर से कहना है जिस तरीके से नए अध्यादेश लाए गए हैं उससे अब हमको अपने ही खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी, पूंजीपति हमारे खेतों को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार बार बार इन बातों को नकार रही है, फिर भी किसान किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार है। रीवा में आज किसानों ने कई राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ रैली निकाली, कलेक्ट्रेट कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन भी सौंपा। आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर रीवा की गलियों में किस तरीके का नजारा रहा और कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर किसानों ने ज्ञापन सौंपकर क्या कुछ कहा। जो मोदी सरकार ने सदन में किसानों के खिलाफ 3 बिल पारित किया है वो किसानों के लिए एक डेथ वारंट है। उसके खिलाफ आज पूरे देश में किसान नेताओं द्वारा और जो भी राजनीतिक दल हैं, समाजसेवी संगठन हैं, सभी लोगों ने राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया है। हम लोगों ने भी मध्य प्रदेश में रीवा जिले के अंदर जबरदस्त बंद का आयोजन किया है। सारे दल, सारे किसान संगठन मौजूद हैं हम लोग, और साथ में किसान गांव से ट्रैक्टर लेकर के भी आए हैं। इसके बाद 4 बजे हम लोग राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा संभाग को सौंपेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।